हेलो गाइस, गुज्जू इन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और पिछले वीडियो में हमने तुलसी शाम को एक्सप्लोर किया था और अभी मैं जा रहा हूँ तुलसी शाम से धारी जो बाय रोड जाऊँगा और वो भी गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से जाऊँगा। जंगली जानवरों प्राणियों को देखते हुए जाएंगा, तो आज का वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धारी जाने के टाइम पे रास्ते में हमें एक नदी मिली और नदी का व्यू एकदम बहुत अच्छा था, सीनरी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे शाम को जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, तभी आप गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मज़ा ले पाओगे पूरी तरह से। यहाँ पे ये गिर अभ्यारण्य में छोटे छोटे गांव भी आ रहे हैं बीच में। और सामने देखिए दोस्तों, एक छोटा सा गांव दिख रहा है और देखिए बहुत सारे मकान है वहाँ पे, और जो मकान है वो पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान लग रहे हैं। और मकान के चारों साइड में कांटों से एक बाउंड्री बनाई गई है ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ पाए। तो देखिए सामने एक छोटा सा मकान जैसा दिख रहा है, तो वो एक स्कूल है, इसी गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी बनाया गया है। और एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर गुजराती में लिखा हुआ है आसुंदरारी प्राथमिक शारा, यानी ये स्कूल है एक छोटा सा पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो पालतू जानवर है गाय भैंस बकरी, इनको भी ये लोग घर के अंदर ले लेते हैं ताकि ये शिकार ना हो जाए। और देखिए एक चेक पोस्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से चेक पोस्ट से अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे कोई पास या कुछ भी बनाना नहीं है व्हीकल का। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि कचरा नहीं डालना है यहाँ पे, यानी हमें जंगल को साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है। और दूसरी चीज़ का सिंबल दिया हुआ है कि गाड़ी में हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर डर जाते हैं, उनको परेशानी होती है, इसलिए गाड़ी का हॉर्न यहाँ पे नहीं बजाना है। और एक तीसरा सिंबल है आग नहीं जलाना है। ऐसे तो आग हम लोग नहीं जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं और पीने के बाद माचिस की जो तिल्ली है सरकती हुई बाहर फेंक देते हैं, तो इससे जंगल में आग लगने की संभावना रहती है। और यहाँ पे देखिए खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और पानी पीने के लिए यहाँ पे देखिए जंगली जानवर आए हुए हैं, हिरण है, बंदर है, वो सब यहाँ पे पानी पी रहे हैं अभी। और देखिए सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर गुजराती में बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गिर भवन, शायद ये कोई फॉरेस्ट का ऑफिस रहेगा या फिर क्वार्टर रहेंगे उनके रहने के लिए। देखिए और एक गांव आ गया यहाँ पे, गिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। यहाँ पे जो पालतू जानवर है गाय भैंस बकरी, इनको भी ये लोग घर के अंदर ले लेते हैं ताकि ये शिकार ना हो जाए। शाम को सूरज ढलने के बाद यहाँ पे कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि रात को यहाँ पे शेर शिकार करने के लिए निकलते हैं। मैं मथुरा का हूँ यार। बढ़िया, बस अभी यही। अरे हाँ, वो तुम्हारे वहाँ का है। और अभी यहाँ पे रास्ते में हमें एक लाइव पेड़े वाले मिल गए, जहाँ पे बढ़िया एकदम गर्मा गर्म पेड़े बना के दे रहे थे, तो हम रुक गए वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कैसे पेड़े बनते हो। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं खेत हैं और ये सासनगीर के बीच में बहुत सारे गांव भी आते हैं।
और देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे गुजराती में लिखा हुआ है कि आहिर लाइव थाबड़ी पेड़ा। प्योर दूध यार ले लो बीजू ले ले। तो देखिए सामने एक चूल्हा बनाया हुआ है ब्रिक से, ईंट से चूल्हा बनाया हुआ, और उसे नीचे लकड़े से आग जल रही है, लकड़ा डाल के आग जलाई गई है, और इसके ऊपर एक बंदा दूध रखा हुआ है और दूध से पेड़े बना रहा है ये। और लकड़ा जलने के बाद बहुत सारा कोयला बनता है तो ये उसका भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी गौनी भरी हुई है कोयले से, तो ये डबल बेनिफिट ले रहे हैं। और देखिए दोस्तों रास्ते में एक और चेक पोस्ट आया है। और देखिए दोस्तों फिर से एक बार हमें जंगल में जंगली जानवर देखने मिल गए हैं, और यहाँ पे हिरण है, साबर है, और बंदर देखने मिल गया, मोर देखने मिल गए, बस नहीं देखने मिला तो शेर। गर्मियों के टाइम में, समर के टाइम पे यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत सूख जाता है तो प्राणियों को पानी पीने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उनको पानी ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है जहाँ नदी बह रही हो। और ऐसे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पानी की व्यवस्था की हुई है, बहुत सारी जगह पे इन्होंने कुंड बना के रखे हुए हैं पानी के। जंगल की हमें रक्षा करनी है, उसको जलाना नहीं है, इसलिए जब भी आप जंगल में आए तो बीड़ी सिगरेट न जलाएं, बीड़ी न पिए, और ये जंगल और प्राकृतिक जंगल और जंगल के प्राणियों की रक्षा करें, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो इसी पेड़ों से निकलता है, और हर इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी हमें बहुत भूख लगी है, लगभग 1 घंटे से हम चल रहे हैं लेकिन रास्ते में कोई होटल हमें दिख नहीं रही है, सोच रहे कोई होटल मिल जाएगी तो हमारे पेट की कम से कम आग तो बुझ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यदि मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो धारी जाके ही हमें खाना खाना पड़ेगा। तो दोस्तों आखिर हमारी खोज ख़त्म हुई है और रास्ते में हमें एक होटल मिल गया है, और देखिए यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम। दोस्तों होटल का नाम है, गुजराती में लिखा हुआ है, गिर गार्डन होटल है, और हमने ऑर्डर दे दिया है और अभी वेट कर रहे हैं कि कब टेबल पे खाना आए और हम टूट पड़े। तो दोस्तों खाना हम खा चुके हैं और यहाँ से अभी निकल चुके हैं। खाना बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था, दाल भी अच्छी थी, सब्जी भी यहाँ की अच्छी थी, और ख़ास बात रोटी बहुत ही अच्छी थी, अपने घर जैसी आटे की रोटी थी, क्योंकि खास करके होटलों में मैदा की रोटी ज़्यादा बनती है लेकिन यहाँ पे आटे की रोटी थी। देखिए बापा सीताराम का और एक मंदिर हमें मिल गया रास्ते में, तो प्यार से बोलिए बापा सीताराम। फ्रेंड्स अभी हम गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकल चुके हैं, अभी जंगल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों सौराष्ट्र की यात्रा अभी पूरी हो चुकी है, हम 5 दिन से निकले हुए थे सौराष्ट्र पे, और जो गुजरात में जो ये जामनगर, भावनगर, द्वारिका, सोमनाथ, ये सब जो एरिया है उसको सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और ये 5 दिन में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप भी आइए गुजरात में और सौराष्ट्र घूमिए। 5 दिन हो गए तो अभी घर याद आ गया है, आप कहीं भी घूमने जाओगे लेकिन कुछ दिन हो जाते हैं तो आपको घर याद आ जाता है कि कब घर पहुंच जाए, तो अभी हमें भी ऐसा ही हो रहा है। और एक बापा सीताराम का मंदिर, तो प्यार से बोलिए बापा सीताराम। और रास्ते में हमने खेतला आपा की चाय पी, बहुत मज़ा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय गर्वी गुजरात। बधाने जय श्री कृष्ण।